मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी के निमित्त हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, मां बगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान श्वेता भारद्वाज से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि केवल सच बोलना ही रास्ता नहीं है, उसके मार्ग पर चलना भी पड़ता है। धरती पर तो आधुनिक युग में सत्य की पहचान कम ही है, जो सच बोलता है उसका अनादर ही होता है, लेकिन प्रभु के द्वार में उसको इसका अच्छा परिणाम ही मिलता है। मंदिर परिसर में कोविड-19 की गाइडलाइंस अनुसार सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन, मास्क इत्यादि का विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर प्रदीप धीर, गुरबाज सिंह, बलजिंदर सिंह, एडवोकेट राजकुमार, राकेश, दिशांत, राकेश महाजन, मुकेश चौधरी, जसविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र कत्याल, संजीव शर्मा, शेखर सेठ, मधुकर कत्याल, मानव शर्मा, अभिलक्ष्य चुघ, अशोक शर्मा, सुरेंद्र, सौरभ मल्होत्रा, राजेश मेहता, दिलीप कुमार, नीटू, साहिल, मनोज चड्डा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। लाजमी करता कोशिश करो जिन्होंने दो रोज लगी होगी एंट्री हो गई हवन यज्ञ और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर हो गए, मिनिमम 3-3 फुट जगह जरूर छोड़ी हो गई ताकि कोई प्रॉब्लम ना आवे। परमात्मा सारे की कृपा करे पर अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना है। अज तो मंदिर के घंटी वगैरह जी बाहर लगी है उसके उत्ते चुनी लपेट के उन्होंने बात किया गया कि कोई टच ना हो और एक दूजे के टच के घटो घट पाए। कोशिश करो कि जे तुम ठीक है तो असं आपे ठीक है, थोड़ा जहा अपना ध्यान रखो, साडा ध्यान अपने आप हो। असी हर बार कुछ ना कुछ हवन यज्ञ के दौरान विचार प्रकट कर रहे हैं। अज का विचार है कि जड़ी अच्छी साफ सुथरी सूची वाली है उसके नाल हर कोई प्यार करता जिहड़ा वो वाणी सच बोलता है, जिहड़ा सच बोलता है ऐसे भी जय जयकार है क्योंकि दोबारा काउंटर करने झूठ नहीं बोलना पड़ता क्योंकि झूठ बोलेंगे काउंटर करने दोस्तों झूठ होर बोलना सच दे पड़ना कि झूठ जिहड़ा सच है एक्चुअली जिहड़ा सच है वह जरूर कष्टदाई थोड़े टाइम में होंगे पर सच बोलने वाले की जय जयकार होती है और परमात्मा के दरबार से जाके भी उसके द्वार से जाके भी ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵਾਣੀ ਐਸੀ ਬੋਲੀਏ ਮਨ ਕਾ ਆਪਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਸੀਤਲ ਕਰੇ ਆਪ ਉਹ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਕਿ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।